हेलो दोस्तों, तो आज मैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टाइमिन और स्टोर के अंदर बैठकर चीजें खा रहे थे और तभी उन्हें बाहर से गन चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ये देखने के लिए बाहर जा रहे थे लेकिन तभी उस स्टोर के अंदर एलियन आ जाता है। इनको पता नहीं होता कि ये क्या है क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को पहले नहीं देखा था। तो ये अपनी गन से उसको टच करता है तो फिर ये उसके साथ खेलने लग जाते हैं, और जब वो अपनी उंगली से उसको दोबारा टच करता है तभी वो एलियन उन पर अटैक कर देता है। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा बचने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं आखिरकार ये उसे एक फ्रीजर के अंदर बंद कर देता है और नोटिस करते हैं कि वो जमने लग गया है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि पार्किंग में छुपे थे, और तभी उनमें से एक लड़की एलियन को उनकी तरफ आते हुए देखती है और ज़ोर से चिल्लाती है। उसके बाद जब वो एलियन उनकी तरफ बढ़ रहा था तभी एक लड़का उसे किसी चीज़ से ढक देता है, लेकिन हम देखते हैं वो एलियन बाहर आने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था तो वो उसके ऊपर एक बड़ा सा भारी कट्टा रख देता है और जंग से उन्हें कहता है कि तुम सब बाहर जाओ। उसके बाद जब वो भागने की कोशिश करता है तभी वो एलियन उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो लड़की बगल से गन उठाकर उस एलियन के ऊपर शूट कर देती है और उस एलियन को मार गिराती है। वहीं दूसरी तरफ हम लेफ्टिनेंट ली को देखते हैं। वो नोटिस करता है कि सायरन की आवाज़ आ रही है और सारे एलियन उस आवाज़ के पीछे जा रहे थे। ये वही सायरन होता है जहाँ पर बोरा और फंसे थे। वो एलियन उस शीशे को तोड़ने ही वाले थे तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट ली आकर उन सबको मार देता है और उनसे पूछता है कि तुम सब ठीक हो ना, चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक एलियन उसके ऊपर से आकर अटैक करने वाला था लेकिन दूर से नारा उसे मार देती है। बाद में सभी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट वहाँ पर अपने साथियों की मौत पर बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, और उसके बाद वो उन्हें बताता है कि ये जो आपने देखा है वो सभी उस गोले जैसे चीज़ से निकल रहे थे और लोगों को मार रहे थे और आपको उन्हीं को मारने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फिर हम देखते हैं ये सभी वहाँ से जा रहे थे और तभी उनको लगता है कि वहाँ पर कोई एलियन है, तो ली सबसे कहता है कि अपनी बंदूक तैयार रखना और अपना हेलमेट वहाँ पर फेंकता है। लेकिन तभी हमें उस टोपी के पास कोई आता हुआ दिखता है और ये कोई एलियन नहीं बल्कि टाइमिन और होते हैं। उसके बाद वो सभी उनके पास जाकर पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। बाद में ये सभी वापस स्कूल आ रहे थे तभी हम देखते हैं वहाँ पर स्कूल के और बच्चे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी बोलने लग जाते हैं कि इनको क्या हुआ, ये तो शूटिंग के लिए गए थे ना। और तभी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट ली उनकी हालत देखकर अपना पुराना सीन याद करता है जब वो उस एलियन अटैक से बच गया था, तो उसके कमांडर ने कहा था कि हमारे पास इतनी आर्मी नहीं है कि वो इन सब से लड़ सके, इसलिए हमें सिविलियंस के साथ स्टूडेंट्स को भी शामिल करना होगा। तभी ली कहने लग जाता है कि आप बच्चों को कैसे शामिल कर सकते हो, तो उसका ऑफिसर उसे कहता है कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो भी वो मरेंगे, इससे अच्छा है कि वो गन से अपनी सुरक्षा कर सके। उसके बाद ये सभी अपनी क्लास में आ जाते हैं और तभी एक एक करके सब कहने लग जाते हैं कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। इसे देखकर सभी अपना सामान पैक करने लग जाते हैं। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट ली आता है और कहता है बैठ जाओ, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि सब अपनी सीट पर बैठ जाओ, तो वो सभी वहाँ बैठ जाते हैं। वो सभी उसको कहने लग जाते हैं कि हमें घर वापस जाना है, हम यहाँ सेफ नहीं हैं। तो वो कहता है कि तुम घर जाकर क्या करोगे, अगर वहाँ पर भी उस एलियन ने अटैक कर दिया तो तुम क्या करोगे, इसलिए तुम सब यहाँ पर सेफ हो। और कहता है कि हमारी ट्रेनिंग नॉर्मल चलती रहेगी इसलिए तुम सब रात की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं वो सभी आपस में बात करने लगते हैं और वोट करते हैं कि हम सभी घर वापस जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यूजिंग और कमांडर ली से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं कि सभी घर जाना चाहते हैं और सब ने यहाँ पर साइन कर लिया है, इसलिए आप हमें घर जाने दीजिए। उसके बाद वो कहता है कि घर जाकर भी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको एक सेफ सेल्टर में भेज दिया गया होगा। तभी वो कहने लग जाती है कि क्या आप हमें भी उस सेंटर में ले जा सकते हैं। तभी ली कहता है कि तुम सब एक सोल्जर हो और हम एक वॉर में हैं, इसलिए तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना। उसके बाद जब ये लोग क्लास में उन सभी को ये बात बताते हैं तो वो सभी वहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं। रात में हम देखते हैं वो उनसे ट्रेनिंग करवा रहा था और सभी वहाँ रो रहे थे। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो उसी बॉल के पास खड़ा था और याद करता है कि जब वो रिकवर हुआ था तो उन एलियन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे।
वो एलियन किसी भी तरीके से मर नहीं रहे थे। फिर उनका बॉस बताता है कि उनके लिए स्पेशल बुलेट बनाई गई है जिससे वो मर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में हमारे पेरेंट्स शेल्टर में हैं? कहीं कैप्टन ने हमसे झूठ तो नहीं बोला। तो ये फिर एक प्लानिंग करते हैं कि जिसका भी घर नज़दीक होगा वो अपने घर जाकर चेक करेगा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर है या नहीं। और हम देखते हैं चीयुल और किमजोक का घर सबसे नज़दीक होता है। उसके बाद ये सभी टॉयलेट में जाते हैं और वहाँ से खिड़की से बाहर निकलते हैं। वो सभी सोल्जर से छुपकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर सोल्जर को देखते हैं और किम दुक को उनके सामने फेंक देते हैं ताकि वो उनका ध्यान भटका सके। वो तभी वहाँ उनको देखकर वहाँ से भागने लगता है। वो सोल्जर भी उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। ये देखकर वो सभी बाहर आ जाते हैं और जाने लगते हैं। तभी वो लोग अपने सामने सोल्जर और को देखते हैं। उसके बाद ली उन सभी को सजा दे रहा था और कहता है कि तुम अब स्टूडेंट नहीं हो बल्कि तुम एक सोल्जर हो और मैं तुम्हें सोल्जर मानता हूँ। उसके बाद वो सभी रात को सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तभी एक लड़का कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन हम देखते हैं ये सभी सारे बच्चे में ये बात फैला देते हैं कि यहाँ पर एलियन ने अटैक किया था और उस एलियन ने टीचर को भी मार दिया था, जिसके बाद सभी बच्चे अपनी क्लासरूम से बाहर आने लगते हैं और सोल्जर उन्हें रोक नहीं पाते। तो उसके बाद ये सभी बच्चे स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और सोल्जर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एकदम से ऊपर की तरफ से एक बॉल नीचे गिर जाती है और वो देखते हैं वहाँ से बहुत सारे एलियन निकलने लग जाते हैं और उन पर अटैक करने लग जाते हैं। वो सभी बच्चे वहाँ से भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर और भी बॉल नीचे गिरने लग जाती है और वो सभी एलियन उनको मारने लग जाते हैं। हम देखते हैं काफ़ी बच्चे मर चुके थे और तभी सब क्लास के अंदर आकर एक कमरे में छुप जाते हैं। ये सभी देखते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा एलियन थे और डरने लग जाते हैं। तभी ली वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम अपने हथियार ले लो। तो उसके बाद ये सभी अपने हथियार लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ली उनको कहता है कि तुम सभी को उस ट्रक के अंदर जाना है और हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद ये सभी ऐसा ही करते हैं। वो सभी एक एक करके गाड़ी के अंदर बैठने लग जाते हैं। साथ में हम देखते हैं कि उन एलियन की वजह से मिलिट्री के कई हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे। फिर हम देखते हैं एक लड़की उस ट्रक में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद वो लड़की भागने की कोशिश करती है और वो लोग उसका हाथ पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी एक एलियन साइड से आता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी ली शीशे में उस लड़की को गिरा हुआ देखता है और ट्रक रोक देता है। वहाँ पर वन बिन भी आ रहा होता है और जब ली उस लड़की को बाहर बचाने के लिए निकल रहा था तभी वन बिन कहता है हमें एक के लिए बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डालनी है। और हम देखते हैं ली रोने लग जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब ये सभी यहाँ से जा रहे थे तभी हम देखते हैं पूरे शहर में ये गोले गिरे हुए थे और शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।